हेलो गाइस, आई एम जरक शाहजेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक कृष्ण। फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लास फ्रंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि आपने पिक्सल ऐप को ओपन करना है और न्यू टेक्स्ट डाकर आपने सिंपली यहाँ पर नेम टाइप कर लेना है। मैं नेम टाइप करूँगा सारा। तो बाकी यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तकरीबन, आज मैं कुछ थोड़ा सा बेहतर हूँ। आप लोगों को आवाज़ से भी जजमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर फॉन्ट लगा लेना है। फॉन्ट लगाने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसकी लेफ्ट राइट पैडिंग करके सिंपली इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है और इसमें स्पेसिंग डाल लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने आना स्पेसिंग में और तकरीबन 5 पॉइंट तक स्पेसिंग डाल लेनी है। 5 पॉइंट तक स्पेसिंग डालने के बाद आप लोगों ने शेप में आना है और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। और कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करके सिंपली आप लोगों ने इसको अल्ट्रा में रखकर सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये नेम आप गैलरी में चला जाएगा। अब आप लोगों ने आना है पी एस टच ऐप में। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर प्लस पर आना है। प्लस पर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली पिक ऐड करनी, बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं। बस आप लोगों ने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पिक ऐड करनी, अगर ये वाली पिक आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने यहाँ पर नेम ऐड कर देना। जैसे मैंने पिक ऐड की ऐसे ही मैं नेम यहाँ पर ऐड कर लूँगा। नेम ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट कर लेना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसकी 2 डुप्लीकेट लेयर कर लेनी। यहाँ पर 2 डुप्लीकेट लेयर फ्रेंड हो गई। अब आप लोगों ने फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, एफएक्स में आना है और लैटिंग में आना है। इस एरो को पकड़कर फ्रेंड आप लोगों ने ऊपर ले जाना है, इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने प्लस के साथ जो है करना, यहाँ पर आना है ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में, इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है। ये पहली हालत में वाइट हो जाएगा। अब आप लोगों ने सेकेंड लेयर में आना है, एफएक्स में आना है, ड्रॉप एंड शेडो में आना है। इसका एंगल 19 पे रहने देना है, इसका ब्लर 3 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये 5 पे कर देना है। ब्लर 3, डिस्टेंस 5, कलर ब्लैक, एंगल 90, ओके कर दिया। अब आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप लोगों ने थर्ड वाली लेयर में आ जाना है, एफएक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आप लोगों ने कलर ब्लैक कर लेना है, एंगल इसका 180 पे करना है और इसका ब्लर आप लोगों ने 30 पे कर देना है और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये भी आप लोगों ने 30 पे कर देनी है, ठीक है। तो कलर आपने ब्लैक ही रखना है, ठीक है। इस पर एक दफ़ा एंगल लग गया, सॉरी एक दफ़ा बेवल लग गया। अब आप लोगों ने दूसरी दफ़ा आना है और इस दफ़ा आप लोगों ने इसका 45 पे रखना है। फिर आप लोगों ने बेवल पे आना है, इस दफ़ा इसका जो एंगल है ये 135 पे रख लेना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आपने सेकेंड लेयर में आना है और ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने बोर्ड प्लस करना है, कंटिन्यूस की टिक ऑन होनी चाहिए। अब आप लोगों ने ये जो इसके बीच में बड़ा हुआ डिज़ाइन इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सारा सेलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। बाकी वाला पार्ट रहने देना, उसको सेलेक्ट आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, सारे को सेलेक्ट करके अगला तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर आप लोगों ने प्लस पर आना है और लेयर फ्रॉम सिलेक्शन ले लेनी है और पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। पिक्सल डी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने एफएक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आप लोगों ने कलर ब्लैक कर वाइट सॉरी कर लेना है और इसका जो ब्लर है ये 45 पे कर लेना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 45 पे कर लेनी है और इसका एंगल 180 पे कर देना है। फिर आप लोगों ने बेवल में आना है, ब्लर डिस्टेंस और कलर वही रहने देना है और इसका एंगल आप लोगों ने चेंज करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल पे भी ध्यान दिया करें, आपने 135 पे कर लेना है। अब आप लोगों ने 2 लाइन्स पे आना है और कर्व्स ले लेनी है, ठीक है। कर्व्स लेने के बाद आप लोगों ने ये वाले सेटिंग रख लेनी जो मैं सेटिंग रखूँगा, ठीक है। बाकी आप जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर इसको यहाँ पे रखूँगा तकरीबन यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, मतलब ये वाली सेटिंग आप लोगों ने रख लेनी है, ठीक है। सेटिंग मैंने रख ली। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने सेकंड लेयर को सेलेक्ट कर लेना, ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर वाले लेयर पर आना है और 2 लाइन्स पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने कलर बैलेंस वाला ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसमें कलर रख लेना है। जैसे भी कोई भी कलर आप रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें ये वाला सियान रखूँगा, ठीक है। फिर इसको मैं पिक्सल डी सेलेक्ट करूँगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है, मतलब सेकंड लेयर को सेलेक्ट करके इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, ऊपर वाली लेयर पर आ जाना है। फिर आपने 2 लाइन्स पर आना है और कलर बैलेंस में आना है। इस दफ़ा आप लोगों ने इसको 0 पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 0 पे कर देता हूँ, यहाँ पर सॉरी 0, यहाँ पर रेड आप कर दें, ठीक है। जहाँ पर इसको टेड पे करके तो रेड हो जाएगा। बाकी ये जो 2 कलर बच गए हैं इस पर भी मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखा देता हूँ। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर भी आप लोगों को ऐड करके कलर दिखा देता हूँ। तो बाकी फ्रेंड यहाँ पर मैंने सारे को वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलर भी मैंने कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है,
ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। आपने फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको और ये जो बीच में ये पार्ट बने हुए हैं इसको सिलेक्ट आप लोगों ने कर लेना है। इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये सारे को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने एम्प्टी लेयर ले लेनी है, एम्प्टी लेयर आप लोगों ने नहीं लेनी। आप लोगों ने सेकंड लेयर पे आकर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेनी, ठीक है। फिर आप लोगों ने पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। पिक्सल डी सेलेक्ट होने के बाद आप लोगों ने एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आप लोगों ने 30 पे इसका ब्लर रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी आप लोगों ने 30 पे रख लेनी। कलर एंगल इसका मैन 80 पे कर देना है, ओके कर दिया। फिर आपने एफ एक्स में आना है, बेवल में आना है, ब्लर डिस्टेंस वही रहने देनी, कलर भी वही रहने देना और इसका एंगल आप लोगों ने चेंज करते जाना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने बेवल में आना है, सॉरी बेबल पे आकर आप लोगों ने एंगल इसका चेंज करते जाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने टू लाइंस पे आना है और यही सेम आप लोगों ने यहाँ पर ये वाली सेटिंग रख लेनी है। अदरवाइज़ आप थोड़ी बहुत चेंज भी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक हो गया, जहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने इस बार फिर एक दफ़ा कर्व लगा देनी है, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाएगी, आप यही रहने दें। अब आप लोगों ने करना कि एफ एक्स में आना है, फोटो में आना है और ओल्ड सेपिया में आ जाना है, ठीक है। ओल्ड सेपिया में जैसे ही आप लोगों ने आना है इसकी सैचुरेशन 50 पे रहने देनी और इसकी इंटेंसिटी कम कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है और जितनी इंटेंसिटी इसकी कम हो वो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 20 पे रखनी है और इसकी सैचुरेशन भी तकरीबन 20 पे कर देनी है। यहाँ पे ये 20 पे थोड़ी सी ज़्यादा आप करें, थोड़ी सी तकरीबन ये 70 तक कर लें, ठीक है। यहाँ तक और थोड़ी सी बढ़ा लें, तकरीबन इसको 100 पे रखें, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा रहे 30 पे रखें, ठीक है। इसको सैचुरेशन 100, इंटेंसिटी 30, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आपका ग्लास वाट बिल्कुल रेडी है। अब आप लोगों ने करना क्या, फर्स्ट इसका जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को मैं दे दूँगा। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और ग्लो में आ जाना है। 0.6 आप लोगों ने 6 इस पर ब्लर रखना है और कलर वाइट कर देना है, सॉरी ब्लैक कर देना है इसका, सॉरी वाइट आप लोगों ने करना है ग्लो का, ठीक है। कलर आप लोगों ने वाइट कर देना है। अब आप लोगों ने करना है कि इसकी कॉपी कर दी है, सेकंड लेयर की भी कॉपी कर दी है और ये जो लास्ट लेयर है ना शेडो वाली इसकी भी कॉपी और जो लास्ट लेयर है इसकी भी कॉपी। लास्ट लेयर का ब्लेंड मोड यहाँ पर आप लोगों ने ओवरले कर देना है और ओवरले वाली को नीचे ले आना है और ऊपर वाली का ब्लेंड मोड आप ब्लेंडेड भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी रख सकते हैं, मैं नॉर्मल ही रखूँगा। बाकी आपने ये जो ग्लो वाली इसको सबसे जिस पे ये स्ट्रोक लगाई थी, सॉरी लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके ओल्ड सैंपल इसको ऊपर आप लोगों ने कर देना है। जहाँ तक हो गया, जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को वहाँ पर दे दूँगा। अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर आपने लोगों ने कुछ PNG ऐड कर दिया, ठीक है। वो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैं ऐड कर दूँगा। पहले मैंने ये वाला PNG ऐड कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने बढ़ा लेना है, बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। फिर आपने पेंसिल बनाए इसकी कॉपी कर दीजिए, PNG कॉपी जगह फिर पेंसिल बनाए इसको सिंपली यहाँ पर फ्रेंड आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही तरीका कर देना जैसे मैंने आप लोगों को तरीका मैथड बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया, आप सारे वर्ड पर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जहाँ तक होने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है और एक और PNG ले लेना है, ठीक है। वो भी यहाँ पर हमारा पड़ा होगा PNG, ये वाला वो PNG है, ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ। तो फ्रेंड इस PNG को भी मैंने ले लिया, ठीक है। इस PNG को जहाँ पर आप लोगों ने लगा लेना है, यहाँ पे लगाने के बाद फिर आप लोगों ने इसी फोल्डर में आना है। इसी फोल्डर में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक और PNG लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक और PNG लगा लेना है आपने, यहाँ पर वो मेरा PNG पड़ा होगा, मैं जल्दी जल्दी मैं ले लेता हूँ। तो फ्रेंड ये वाला PNG भी मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। बाकी आपने लाइटिंग करनी है, ठीक है। आप वाइट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा आप येलो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने येलो लाइट जो है ना वो आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, ठीक है। जो मटेरियल जो कुछ मैं यूज़ करूँगा सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने वहाँ से फ्रेंड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लगाऊँगा ये वाली येलो लाइट लगाऊँगा और इसका बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ब्लैक आ रहा है, तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन कर देना, इसका बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। अब आपने एंड वाले ऑप्शन में आना और ट्रांसफार्मर पर क्लिक करके इसको यहाँ पर किसी भी जगह पर आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया, लगाने के बाद आप लोगों ने करना क्या, फिर आप लोगों ने यहाँ पर आना है, सॉरी इसको पहले आप लोग इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर लें ताकि हम आसानी के साथ एक और लेयर ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने आना है और यहाँ पर एक और हमारा मतलब लाइट PNG पड़ा होगा वो आप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वाइट लाइट PNG लेंगे, ठीक है। दोनों लाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी
मैं यहाँ पर आप लोगों को वो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। इसका भी तरीका मेथड बिल्कुल वही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पर आपने यही सेम प्रोसेस करना है, आप इसको पकड़कर किसी भी जगह पर आप लगाना चाहे आप फ्रेंड लगा सकते हैं, ठीक है। ये लग गया तो अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आपका ग्लास वाट रेडी है, आप लोगों ने इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना। अब आपने शेयर पर आना, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर देना। फ्रेंड आज की हमारी बस यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद है लाइक बटन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।